सेना की आधुनिक बनाने में, अग्निपथ की योजना लाने में शिक्षा विभाग से भी विमर्श हुई थी। हमें दायित्व तो दिया गया प्रधानमंत्री जी की ओर से, अमूमन जो सेना में ज्वाइन करते हैं सैनिक के रूप में दसवीं पास करके जाते हैं, बारहवीं पास करके जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कुछ मित्र करके जाते हैं। उस चार साल के अंदर जो दसवीं पास करके नौजवान सेना में शामिल होगा अग्निवीर में, जब वो चार साल पूरा करेगा, वो दसवीं पास किया हुआ होगा तो उसको बारहवीं की सर्टिफिकेट उस चार साल के बाद ऐसे ही मिलने वाला है। अगर वो बारहवीं पास किया है, उस चार साल की जो प्रशिक्षण उनको मिला, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, उस शिक्षा नीति में ये उल्लेख किया गया है, आज काम के अनुभव को भी पढ़ाई के बराबर की माना जाएगा, क्रेडिट फ्रेमवर्क न्याय बनाया जा रहा है। रोजमर्रे की जिंदगी में जो काम हम करते हैं, उस काम का भी अनुभव को क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, एक्सपीरियंस को क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, उस चार साल की ऑन जॉब एक्सपीरियंस को भी क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको भी शिक्षा की दर्जा मिलेगा। और इग्नो एक नया फ्रेमवर्क में ऐसे नौजवानों को एक परीक्षा देने की मौका देगी, उसको पास करने में वो डिग्री भी पा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन किए होंगे उसी चार साल के अंदर वो एमबीए करना चाहेंगे, वो मास्टर्स करना चाहेंगे, उनको भी अनुमति की व्यवस्था की जा रही है।